मन को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका, मन के आगे या पीछे ना लगा दो। क्या समझ आया? मन के आगे या पीछे ना लगा दो, मन कंट्रोल हो जाएगा। लगाओ मन के आगे, लगाओ ना, फिर नमन करना। मन को कंट्रोल करने के लिए या तो नमन करो या फिर मनन करो। बस मन बीच में अपने आप जहां आ गया, मन कहीं नहीं जाएगा। मनन का मतलब बस यही, धुन सवार हो जाए बस। सिद्ध भगवान नहीं दिखते हो तो वो दिखने लग जाए, अरियंत नहीं दिखते हो तो वही दिखते रहें। ऐसी धुन सवार हो जाए मन में, ऐसा मनन हो जाए, इतना आपने आजकल इतना सुन रखा है, इतना पढ़ लिया है और इतने अच्छे ढंग से सुन रखा है कि शायद इससे पहले आप लोगों ने, हम समझते हैं, कभी इतने अच्छे ढंग से सुना नहीं होगा। वर्धमान महावीर भगवान के शासन काल में रहते हुए भी उनकी इतनी गरिमा का बखान आपने शायद नहीं सुना होगा और मैंने भी कभी नहीं सुनाया। समझ आ रहा है? जब निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तभी ऐसा काम हो पाता है। अब ये मनन हुआ, चिंतन हुआ, तभी तो कुछ आपके पास तक पहुंचा। और मनन करने के माध्यम से ही ये भाव निकल करके आता है कि जब हम भगवान के बारे में सोचेंगे तो नमन के भाव तो अपने आप आई जाएंगे। मनन चिंतन करोगे तो नमन हुए बिना रहोगे नहीं, क्योंकि मनन से ही हमारा अहम टूटता है। और जब अहम टूटेगा तो हमारे अंदर से ही हमारी आत्मा कहेगी कि ऐसे तीर्थंकरों के लिए बार बार नमस्कार करके, इनको अपने स्मरण में ला करके, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए इससे बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बड़े बड़े आचार्यों के लिए भी यही काम रहता है। क्या सुन रहे हो आप? देखो कि कोई मुनि महाराज हैं, आचार्य हैं, कोई भी हैं, वो दिन भर क्या करते हैं? अभी तो चलो इतने शास्त्र भी हैं, लेकिन जंगलों में तो उतने शास्त्र भी नहीं मिलते कि कोई उनको हमेशा अपने पास में रखे रहे, कि उनको ही पलटते रहे, कि उन्हीं को पढ़ते रहे। बैठना तो चुपचाप, पहले तो जब शास्त्र नहीं होते थे तब तो केवल जो गुरु ने सुना दिया बस उसी का मनन करते रहना है और उसी के अनुसार काम अपना करना है, उसी के अनुसार प्रवृत्ति करना है, अलग से कुछ नहीं है। सामूहिक स्वाध्याय होता था, गुरु पढ़ाएंगे, गुरु सुनाएंगे, आपको सुनना है, आपको कुछ भी अपने पास में नहीं रखना है, न पेन न कॉपी न पेंसिल न किताब न कुछ भी। समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं होता था, बस गुरु ने आदेश दिया, गुरु ने उपदेश दिया, गुरु ने कोई भी चीज का ज्ञान दिया, बस उसका मनन चिंतन करो और उसी के अनुसार अपनी क्रिया करो। इतने लंबे टाइम तक, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, फिर सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, यही चलता है। समझ आ रहा है? तब जाकर के मन पवित्र होता है और तब जाकर के वो मन टिकता है कहीं, इतने अभ्यास से। और वो अभ्यास भी किसके साथ है? वैराग्य के साथ में, राग के साथ नहीं है। अब आपके पास में ना अभ्यास है ना वैराग्य है। क्या समझ आ रहा है? और मन कहते हो महाराज हमारा मन टिकता नहीं है। टिकेगा तो तब जब उसको उसके तरीके से टिकाया जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा ज्ञान का अभ्यास करो और वैराग्य की भावना करो, मन कहीं नहीं जाएगा। कितना भी दीर्घ काल होगा, हजारों वर्षों का भी काल रहता है, पूर्व कोटि की आयु भी होती है मुनि महाराज की, तो भी जो है वो उस करोड़ों वर्ष की आयु में सिर्फ इसी मनन और नमन में ही उनका पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है।